और आपकी विंडोज 11 में जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है वो परफेक्ट तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या हैंग हो रहा है, तो आप उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कैसे कर सकते हो, माने आप अपने मोजिला फायरफॉक्स के स्पीड को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो और आप उसे हैंग फ्री कैसे बना सकते हो। तो गाइज जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो मोजिला फायरफॉक्स है यहाँ पे ओपन है, और मान के चलिए कि आप अपने मोजिला फायरफॉक्स में किसी तरह का आप वर्क कर रहे हो या वेबसाइट सर्फिंग कर रहे हो और अचानक से आपका जो मोजिला फायरफॉक्स है वो हैंग कर जाता है, आप कहीं पे भी क्लिक कर रहे हो वर्क नहीं कर रहा है, या आप इसे कट करना चाह रहे हो, मोजिला फायरफॉक्स को क्लोज करना चाह रहे हो, ये क्लोज भी नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद और आपके सामने टास्क मैनेजर इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरा मोजिला फायरफॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरा मोजिला फायरफॉक्स आपको दिख रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि इस कंडीशन में जब भी आपका मोजिला फायरफॉक्स हैंग कर जाता है, किसी तरह का वर्क नहीं हो रहा है, तो आपको इसे क्लोज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सिंपली अपने मोजिला फायरफॉक्स पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एंड टास्क आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस एंड टास्क पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है वो आपका क्लोज हो जाएगा, अब उस मोजिला फायरफॉक्स को आप वापस से ओपन करके आप अपना वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में अगर आपका मोजिला फायरफॉक्स हैंग कर जाता है तो इस कंडीशन में आप उसे क्लोज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने मोजिला फायरफॉक्स का स्पीड को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और हैंग होने से कैसे रुक सकते हैं, मैंने आप उसे हैंग फ्री कैसे बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले करना है क्या है कि आपको तो सबसे पहले अपने मोजिला फायरफॉक्स को ओपन कर लेना है, और मैं यहाँ पे जितने भी प्रोसेस बाय प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, जितने भी स्टेप बताऊंगा इसका स्पीड को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग या हैंग फ्री बनाने के रिगार्डिंग में यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आपको इस स्टेप्स को फॉलो करना है, और स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, मैंने जितने भी प्रोसेस मैं बताऊंगा उन्हें आपको फॉलो करना है। तो आपको सबसे पहले करना है क्या है कि आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मोजिला फायरफॉक्स यहाँ पे राइट साइड के टॉप कॉर्नर में आपको यहाँ पे थ्री लाइंस आपको यहाँ पे दिखा होगा, तो आपको इस थ्री लाइंस वाले ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद और आपको अपने मोजिला फायरफॉक्स के सेटिंग्स में चले जाना है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेटिंग्स का ऑप्शन है, तो आपको इसके सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे डाउनवर्ड की ओर इसे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है जनरल का, तो यहाँ पे मेरा यही ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आपको इस जनरल में ही रहना है और आपको इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको फायरफॉक्स अपडेट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो अपने मोजिला फायरफॉक्स को अपडेट कर लेना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपडेट नहीं होने के कारण भी आपका जो मोजिला फायरफॉक्स है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है या हैंग करता है। तो आपको सबसे पहले करना है क्या है कि आपको अपने मोजिला फायरफॉक्स में यहाँ से चेक फॉर अपडेट्स का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक करके अपने मोजिला फायरफॉक्स को अपडेट कर लेना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखाता हूँ, क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो मोजिला फायरफॉक्स है यहाँ पे चेकिंग होगा, अगर बाय द वे वो अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप टू डेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स अभी फिलहाल मेरा अप टू डेट है। अब आपको करना क्या है कि जैसे इसे कर लेने के बाद, ये आपको मैं पहला प्रोसेस बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को कर लेने के बाद अब मैं आपको सेकंड प्रोसेस बता दूंगा। सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है, सेकंड प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे ही जनरल वाले ऑप्शन में ही रहना है और इसे डाउनवर्ड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर बाय द वे यहाँ पे ये ऑप्शन आपके यहाँ पे चेक मार्क नहीं है, जैसे मेरे यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ पे ये ऑप्शन मेरा चेक मार्क नहीं है, यूज हार्डवेयर एक्सेलरेशन मैंने अवेलेबल का ये ऑप्शन मेरा चेक मार्क नहीं है, तो आपको इस ऑप्शन को चेक मार्क कर लेना है और यहाँ पे भी इस ऑप्शन को भी चेक मार्क कर लेना है। इसे चेक मार्क कर लेने के बाद, ये आपको मैं सेकंड प्रोसेस बता रहा हूँ, इसे चेक मार्क कर लेने के बाद अब मैं आपको थर्ड प्रोसेस बताऊँगा कि थर्ड प्रोसेस में क्या करना है। थर्ड प्रोसेस में आपको यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ डाउनलोड करो, आप यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको क्लीन डेटा का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुकीज एंड साइट डेटा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे क्लीन कर लेना है जो भी कुकीज़ वगैरह है। कभी कभी क्या होता है ज़्यादा कुकीज़ हो जाने के कारण, ज़्यादा साइट डेटा हो जाने के कारण भी ये कभी कभी हैंग करने लग जाता है, तो आपको इसे क्लीन कर लेना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लीन डेटा पर क्लिक करता हूँ, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुकीज़ वगैरह यहाँ पे चेक मार्क है। अगर बाय द वे आपको इसे क्लीन करना है तो आप क्लीन कर सकते हो, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे कुकीज इंपॉर्टेंट कुकीज वगैरह है तो आप यहाँ पे इसे क्लीन नहीं करोगे तो वहाँ पे सही रहेगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पे क्लीन करना है तो आप इस पे चेक मार्क करके आप इसे क्लियर कर सकते हो।
कभी कभी क्या होता है कि कुकीज वगैरह के होने के कारण भी, कुछ ज्यादा ही वेबसाइट डेटा हो जाने के कारण भी आपका जो मोज़िला फायरफॉक्स है वो हैंग करता है और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देता है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हिस्ट्री का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से अपनी हिस्ट्री को भी क्लियर कर सकते हो। आप देख सकते हो अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री वगैरह है तो आपको मैं बोलूँगा कि आप वहाँ पे उस कंडीशन में आप अपनी हिस्ट्री को क्लियर नहीं कीजिए, नहीं तो आप यहाँ से हिस्ट्री वगैरह को भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक करता हूँ, क्लियर हिस्ट्री पर क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ब्राउजिंग, यहाँ पे देख सकते हो ब्राउजिंग एंड डाउनलोडिंग हिस्ट्री है और भी ये कुकीज़ वगैरह है, कैचे हैं, तो आप यहाँ से इसे क्लीन कर सकते हो। ओके पे क्लिक करके आप इसे क्लीन कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टाइम रेंज भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट करता हूँ एवरीथिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने के बाद और आप इस पर ओके कर तो आपका ये जो कुकीज़ है वो क्लीन हो जाएगा। तो अभी मैं फिलहाल इसे क्लोज कर देता हूँ। आपको अगर आपको इस क्लीन नहीं करना है तो आप क्लीन भी नहीं कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्लीन करोगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है मोज़िला फायरफॉक्स का वो इंक्रीज होगा। और मैं आप जैसे आपको बताता हूँ अब आपको करना क्या है कि इन सभी को कर लेने के बाद अब मैं आपको एक्सटेंशन रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एक्सटेंशन एंड थीम्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन में भी चले जाना है। और जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप कोई भी थीम वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर लिए हो, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारा आपको थीम दिख रहा होगा, तो यहाँ पे बहुत सारे थीम सेलेक्ट कर लेने से क्या होता है कि आपका जो है आपका इनेबल कर लेने से आपका तो मोज़िला फायरफॉक्स का जो इंटरफेस है वो तो बहुत अच्छा लगता है, दिखने में तो अच्छा लगता ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका परफॉर्मेंस मोज़िला फायरफॉक्स पर परफॉर्मेंस है वो लेस मैंने बहुत स्लो हो जाता है, ज़रा स्लो परफॉर्मेंस करता है। तो इस कंडीशन में मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे थीम वगैरह आप यहाँ पे सेट ना कीजिए तो वही अच्छा है। अगर आपको परफॉर्मेंस से मतलब है आपके मोज़िला फायरफॉक्स का या हैंग होता है तो आप यहाँ पे थीम ना सेट करें, तो मैं वही बोलूँगा आपको। अगर आप थीम सेट की हो तो आप यहां से इसे डिसेबल कर दीजिए, मैं आपको बता देता हूं। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहां पे देखोगे यहां पे आपको एक्सटेंशन का आपको यहां पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक्सटेंशन का ऑप्शन आपको यहां पे दिख रहा होगा, तो आपको इस एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में चले जाना है। एक्सटेंशन वाले ऑप्शन में आने के बाद जैसे आप यहां पे देखोगे यहां पे मेरा आपको बहुत सारा एक्सटेंशन यहां पे इनेबल दिख रहा होगा, जैसे आप यहां पे देख सकते हो यहां पे बहुत सारा एक्सटेंशन इनेबल दिख रहा होगा। और मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी एक्सटेंशन आपके काम का है, आपके नीड का है, तो आपको मैं बोलूँगा कि आप इसे डिसेबल ना करें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डिसेबल करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इस एक्सटेंशन को, जो भी एक्सटेंशन है आपका जिसका काम नहीं है, आप उसको इसे डिसेबल कर देना है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये आपका डिसेबल्ड हो जाएगा। जैसे मैं इन सभी को डिसेबल कर देता हूँ क्योंकि मेरा ये एक्सटेंशन वगैरह यहाँ पे मेरा काम का नहीं है, तो मैं इन सभी को डिसेबल कर देता हूँ। आप चाहे तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे थ्री डॉट का आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस पे क्लिक करना है और आप यहां से इसे रिमूव भी कर सकते हो। जैसे मेरा यहां पे रिमूव हो रहा है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो यहां से मैं रिमूव कर दे रहा हूं, तो आप यहां से रिमूव भी कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक्सटेंशन ज्यादा एक्सटेंशन हो जाने से भी आपका जो मोज़िला फायरफॉक्स है वो हैंग करने लग जाता है या परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है उसका। तो मैं आपको बोलूंगा कि यहां पे जो भी एक्सटेंशन है जो आपके काम करे हैं तो आपको उसे डिसेबल कर दीजिए, नहीं तो आप उसे रिमूव कर दीजिए। अब आपको करना क्या है कि जैसे आपको यहाँ पे सर्च बार आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है about:memory देन इंटर, और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको फ्री मेमोरी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है कि आपको इस फ्री मेमोरी को मिनिमाइज करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो मेरा फ्री मेमोरी है यहाँ पे मिनिमाइज हो गया है कम्प्लीटली, तो आपको इसे कर लेना है। इसे कर लेने के बाद अब मैं आपको थर्ड प्रोसेस बताता हूँ, मैंने लास्ट प्रोसेस में आपको बताता हूँ। लास्ट प्रोसेस में आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अबाउट सपोर्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे अबाउट कॉलन सपोर्ट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ देन इंटर, और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सामने ट्रबल शूटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ट्राई क्लीनिंग दी स्टार्टअप कैचे का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको करना क्या है कि आपको अपने कैचे को, जो आपका कैचे है मोज़िला फायरफॉक्स का, आपको उसे क्लीन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लीन होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पे रीस्टार्ट का यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा कैचे है यहाँ पे वो क्लीन हो चुका है और यहाँ पे मेरा जो मोज़िला फायरफॉक्स है वो कम्प्लीटली रीस्टार्ट हो चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे रिफ्रेश मोज़िला फायरफॉक्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ रिफ्रेश मोज़िला फायरफॉक्स,
तो गाइस जैसे आप देखोगे यहाँ पे कम्प्लीटली मेरा यहाँ पे सक्सेस हो चुका है और यहाँ पे मेरा जो मोज़िला फायरफॉक्स है वो रिफ्रेश हो चुका है। और बाय द वे मान के चलिए कि आपके आपके मोज़िला फायरफॉक्स में किस तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अबाउट कॉलन सपोर्ट आपको यहाँ पे टाइप करना है वापस से अबाउट कॉलन सपोर्ट देन इंटर। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको ट्रबल शूट मोड का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको ट्रबल शूट मोड का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप इसे ट्रबल शूट मोड पे आप क्लिक करके आप अपने मोज़िला फायरफॉक्स को ट्रबल शूट कर सकते हो और आपके मोज़िला फायरफॉक्स में किसी तरह का एक प्रॉब्लम होगा तो आपका ट्रबल शूट होने लगेगा, मतलब वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा ट्रबल शूट होने के बाद। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।